शर्मा जी के सामने कह रहा हूँ, मत हराना 2024 में मोदी जी को, बहुत घाटे में रहोगे, क्योंकि मोदी जी राम को लाए हैं, वो साथ लेके निकल जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम क्या करोगे? जब राम को वो लेके चले गए तो फिर किसकी पूजा करोगे? इसलिए जिताओ, सन 2024 में भी मोदी जी को जिताओ। मैं जबकि मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं भगवान के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर भगवान चले गए मोदी जी के साथ, फिर हम लोगों का क्या होगा? तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जिताओ 24 में, और जब तक जिताओ, तो जब तक है ना, जो पहनने के लिए कपड़े रहे ना, ये भी ना उतर जाए ना, तब पता लगेगा भाई मोदी जी ने क्या अच्छा किया। पीएम मोदी ने भगवान श्री राम को ऐसा समझ लिया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे रहे हैं वो, हैं? इतनी हैसियत हुई कि प्रधानमंत्री जी की पूरी सृष्टि वो चला रहे हैं, पूरी सृष्टि का अंबर उनके पास में, श्री राम ने पूरे सबको घर दे रखा और वो कह रहे हैं कि उन्हें पक्का घर मिल गया। अरे भैया, ऐसे पक्के घर तो सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में पूरे भारतवर्ष में मौजूद हैं, चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो। देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, इसको लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी की ओर से कर ली गई है, लेकिन विपक्षी जो नेता है वो साफ साफ तौर पर मना कर देते हैं कि हम अधूरे राम मंदिर में जाएंगे नहीं, यानी कि 23 तारीख को जरूर चले जाएंगे, अपनी मर्जी से चले जाएंगे, कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बुलावे पर नहीं जाएंगे। इसके बाद से राजनीति और तेज हो चुकी, चर्चा कर लेते हैं जनता के बीच हाजिर होकर, जनता इस राम मंदिर को लेकर क्या कुछ सोच रही है और क्या 2024 का चुनाव इससे प्रभावित होने वाला है। चाचा जी, आप ही बताइएगा, राम मंदिर फिर से गूंज रहा है 24 चुनाव से पहले और बनकर भी तैयार हो रहा है, क्या कुछ लग रहा है कि बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद? बीजेपी को फिलहाल तो मैडम इससे फायदा ही होगा, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है ना, और फिर ये तो मोदी जी के नाम है, क्योंकि मोदी जी के नाम। हाँ, मैं पेपर में भी देखता हूँ, टेलीविजन पर भी देखता हूँ, और एक पेपर में तो मैंने पढ़ा था कि मोदी जी ने पूरा जीवन खपा दिया राम को लाने के लिए। अब 14 से पहले कौन से राम थे ये तो मैं नहीं जानता मैडम, हम तो उसी राम को मानते आए हैं और वही राम ये हैं, पर ये खास करके बीजेपी के राम हैं, क्योंकि बीजेपी लाए हैं कि 70 साल बाद राम आए हैं अयोध्या में, और तो वहाँ पहले कौन था? आप लोग या हम लोग या बुजुर्ग हैं, 14 से पहले कौन से राम को याद करते थे? पहले तो टेंट में विराजमान थे ना रामलला, अब देखिए उनका पक्का घर मिल गया, पीएम मोदी कह रहे हैं कि रामलला टेंट में और पट्टे आ गए मौज में। जब से रामलला टेंट में आए हैं ना, तब से इनके मजे आ गए। डिस्टर्ब करूं जरा सा? हाँ बोलो। आपने बोला कि उन्हें पक्का घर मिल गया, मोदी ने कहा भाषण ने, मतलब पीएम मोदी ने भगवान श्री राम को ऐसा समझ लिया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे रहे हैं वो, हैं? इतनी हैसियत हुई कि प्रधानमंत्री जी की पूरी सृष्टि वो चला रहे हैं, पूरी सृष्टि का अंबर उनके पास में, श्री राम ने पूरे सबको घर दे रखा और वो कह रहे हैं कि उन्हें पक्का घर मिल गया। अरे भैया, ऐसे पक्के घर तो सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में पूरे भारतवर्ष में मौजूद हैं, चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो। एक करके चर्चा करूंगी, सलाह नहीं हूं आपके पास रुकेगा। पेपर में मैंने एक दिन टाइटल देखा था, शर्मा जी आपको दिखाया था कि रामलला को भी पक्का घर दिया और 4 करोड़ गरीबों को भी घर दिया। इनकी ये सोच देखो, भगवान को भी इन्होंने गरीबों में गिन दिया, इनकी इतनी नीति सोच है ना, भगवान को भी जो दुनिया को चला रहा है उसे हम क्या देंगे। और रह गई सन 2024 की बात, तो जब तक ये राजनीति और धर्म जुड़ा रहेगा तो मोदी जी जीतते रहेंगे। और मैं तो कहता हूँ, शर्मा जी के सामने कह रहा हूँ, मत हराना 2024 में मोदी जी को, बहुत घाटे में रहोगे, क्योंकि मोदी जी राम को लाए हैं, वो साथ लेके निकल जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम क्या करोगे? जब राम को वो लेके चले गए तो फिर किसकी पूजा करोगे? इसलिए जिताओ, सन 2024 में भी मोदी जी को जिताओ। मैं जबकि मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं भगवान के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर भगवान चले गए मोदी जी के साथ, फिर हम लोगों का क्या होगा? तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जिताओ 24 में, और जब तक जिताओ, जब तक है ना, जो पहनने के लिए कपड़े रहे ना, ये भी ना उतर जाए ना, तब पता लगेगा भाई मोदी जी ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। फिर है ना, पछताने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, अभी तो पछता रहे हैं। मैंने आज तक वोट नहीं दिया बीजेपी को मैडम, आज तक नहीं दिया और जिंदगी में कभी नहीं दूंगा। क्यों? कि इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पे ही चलती है। अगर काम के नाम पे अगर वोट मिले ना, तो 0% है मोदी जी, कोई भी काम नहीं हुआ है। रोड बन गए, क्या हो गया इनसे? गरीबी दूर हो गई क्या? गरीबी में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कर्जा कितना हो रहा है, महंगाई कितनी हो रही है, लोग बाग बेरोजगार घूम रहे हैं, उसका ना मोदी जी को चिंता, ना उनके चाहने वालों की चिंता। अभी एक परसों की बात बता दूँ, एक मैडम थी, लेडीज सम्मान के ऊपर पूछ रही थी, तो 2-3 बात मैंने कह दी थी। मैंने कहा भाई क्या नाम है, मणिपुर में भाई गलत हुआ, तो कहता है कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ। तो मैंने कहा फिर कांग्रेस में और
बीजेपी में क्या फर्क है फिर इतने बड़े बड़े बातें क्यों? पहले ही कह दो ना भाई, अपनी बहन बेटियों की इज्जत अपने आप संभालना, हम नहीं संभालेंगे। फिर वही बंदा मेरे से कहता है कि ये व्हाट्सअप की और ये देने छोटे कपड़े पहनते हैं, तो मैंने कि खाने पीने पर कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाएगी क्या बीजेपी? और दूसरी बात मैडम, मैं चाहे जींस पहन के जाऊँ या बरमुंडा पहन के जाऊँ, भगवान को क्या प्रॉब्लम है? भगवान को तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने तो सबको बिना कपड़े के भेजा और बिना कपड़े के ही सबको बुला लेता है। फिर भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, इनके भक्तों को विपक्ष को प्रॉब्लम है भगवान से, भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। मैडम विपक्ष को कोई ये इन्हें यही है कि भाई वो मैं दरअसल बोलूँ, जो वो भक्त है ना, भक्त बीजेपी के जो भक्त है ना, उन्हें ये चिंता हो रही है कि सोनिया चाची क्यों नहीं आ रही, और किसी की चिंता नहीं है कि वो क्यों राष्ट्रपति क्यों नहीं जा रहे हैं। राष्ट्रपति को तो अभी तक निमंत्रण भी नहीं मिला है, और उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं मिला है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं मिला है, और चारों शंकराचार्यों को नहीं मिला, सबसे बड़ी बात है जिन्हें धर्मगुरु कहा जाता है, उन चारों को नहीं मिला है। तो सोनिया नहीं जाएगी तो क्या उद्घाटन नहीं होगा? अरे करो उद्घाटन, नहीं जाते जरूरी है कि? अब ये देखो मैडम, ये धार्मिक मुद्दा नहीं बनाया इन्होंने, इनकी सोची समझी चाल है कि सोनिया वगैरह को निमंत्रण दो, जाएंगे तो भाई ये आ गए राम की शरण में, मान गए राम को, नहीं जाएंगे तो ये राक्षस है, राम को नहीं मानते। एक ने तो कह भी थी अनुराग ठाकुर ने कि ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इनका तो मकसद है हर चीज़ में राजनीति करना, और ये राजनीति कर रहे हैं, पछताएगी एक दिन पब्लिक भी पछताएगी। मंदिर से कुछ नहीं है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अगर मंदिर से ही देश की तरक्की होनी है, मंदिर से ही होना है, तो मैं कहता हूँ जगह जगह मंदिर बनवाओ, क्योंकि हमारे देश तो पहले ही मंदिरों का, मंदिरों की कोई कमी नहीं है, और बनवाओ, शायद हो सकता है इसी से तरक्की हो जाए। अगर यही तरक्की है तो भाई ऐसी तरक्की बीजेपी को।